सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। खुशियों का सागर शिवावा, सदा सुख देने वाले सुख करता दुख हरता शिवावा। आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इसे जीते जी मर कर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहां बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगमी का ही फैशन है, सूक्ष्मतन का राज भी अभी ही खुलता है। दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहजी भूल सकते हो। बाबा कहते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुखों सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, भगते आत्माओं की जो प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहां से ले जाएंगे, किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बनाते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर से शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं, तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक के प्रति भी प्रीत भी है उस परमपिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कलव भक्ति मार्ग में ठोकरे खाती है कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं। है भी बराबर, बाप भी कहते हैं अशरीर बन जाओ, मतलब मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है, तो उसी का ही तो अभ्यास कर रहे हैं हम कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुरानी शरीर में कोई मजा नहीं है, यह तो बहुत छी दुनिया है, बरबर रौर नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं, अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूं सुखधाम में ले जाने, जहां दुख का नाम नहीं रहता, इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाली है, अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकता है जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं, सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे, तो वो ले कहां जाएंगे, खुद ही नहीं जा सकते, तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। अब कहते हैं, मनुष्य की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब जानते हैं, कोई से भी पूछो उनको महसूस हो कि बराबर बाप बच्चों को इसीलिए रचते हैं। किस लिए रचते हैं? बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण को रचा है, तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, मतलब राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को देवी सृष्टि बनाने, वही सुख देने आएंगे ना। भल यहां मनुष्य पदमपति हैं,
महल माड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं, तुम्हारी बुद्धि में हमको शिवावा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है, तुम जानते हो यह महल माड़िया आदि सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं, मालिक थे अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। बाबा कहते हैं यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है, बराबर सूक्ष्म वतन बैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारे कनेक्शन हो गया है बेहद का, अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था, चाहती थी ना ससुर घर बैकुंठ हो जाए। यह ससुर घर नहीं है, यहां तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है, जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिप कर रखते हैं, कहां डाकू ना लुट जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा, परेशानियां कुछ नहीं होगी। निशानियां भी लगी हुई है, सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, मणियां आदि कब्र में मुसलमान ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी लगे, निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक बनने। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं कि आत्माओं का प्रीतम एक ही है, आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं, निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं, सत्युग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वो चित्र बनाया, गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वो गुरु लोग हैं वैसे यहां भी यह गुरु है। जैसे साधु बासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अब उनके पास कितने लाख रुपये होते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहां बाप आते ही है ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिवावा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है, यहां तो मनुष्य से देवता बनने की बात है, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। भगत लक्ष्मीनारायण बचपन में राधा कृष्ण है, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार ही है ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णुपुरी कहो वा कृष्णपुरी कहो एक ही बात है, पर सूक्ष्म वतन अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं, कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो और प्यार से अपने आप को आत्मा समझना है, बाबा को याद करने के लिए। तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए इससे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा शैदा हो जाना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं है, यदि उसे कोई रोकना चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है, आप रचेता हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना रुकना नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमन लेना है, मैं उड़ती कला अर्थात मैं आत्मा फरी, मैं